वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्चून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप मैच जो खेला जाएगा एमसीए स्टेडियम पुणे में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्चून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हैं हमारे नाम के। रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, अब WBBL भी स्टार्ट हो रहा है। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं वेन्यू की। सो एमसीए स्टेडियम पुणे में मैच खेला जाएगा। अभी तक यहाँ पर 7 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं जिसमें 4 बार टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है और 3 बार जो है चेजिंग टीम जीती है। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो काफी हाई है, 307 रन का जो है वो एवरेज स्कोर है। यहाँ पर शॉर्ट बाउंड्रीज है तो रन बनते हैं, तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 320 प्लस का स्कोर यहाँ पर बनना चाहिए। वहीं अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो 250 से 260 रन मुझे लगता है बांग्लादेश भी इस विकेट पर बना लेगी। बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की। सो इंडिया की तरफ से कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी और शार्दुल ठाकुर आपको खेलते हुए इस मैच में भी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की तरफ से, यहां पर चेंजेस हो सकते हैं। शाकिब उल हसन का डाउटफुल है, हो सकता है वो ये वाला मैच मिस कर जाए, इंजरी कंसर्न है उनको, तो चांसेस है उन्हें अगर वो नहीं खेलते हैं तो मेहंदी हसन को खिलाया जा सकता है। यहाँ पर तंजीन हसन जो ओपनर है वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है मेहंदी हसन मिराज से ओपन करा लिया जाए और तंजीन हसन की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया जाए, या मेहंदी हसन जो ऑलराउंडर है वो भी खेल सकते हैं। तो ये 2 चेंजेस हो सकते हैं, बाकी और कोई चेंज होता हुआ यहाँ से भी नजर नहीं आ रहा है। वर्ल्ड कप चल रहा है और एक्सचेंज 22 पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जा रहे हैं। आपको एक्सचेंज 22 की पिक्स, बाय सेल पिक्स और मल्टीपैगल पिक्स भी आपको जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। सो अगर आपके पास एक्सचेंज 22 ऐप नहीं है तो यहाँ पर प्लेयर को बाय सेल करना होता है, स्टॉक मार्केट है यहाँ पर फैंटेसी की। तो अगर आपके पास एक्सचेंज 22 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, इसका यूज कर लेना, फिर आप KYC वेरीफाई करते हो तो आपको रियल कैश भी मिल जाएगा जिससे आप खेल सकते हैं और फिर विड्रॉ कर सकते हैं विन करके। बात कर लेते हैं पहले टीम इंडिया की। सो रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमान गिल के साथ। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, जो है रिसेंट फॉर्म शानदार रही है इस वर्ल्ड कप में, बहुत तगड़ा कर रहे हैं। हो सकता है, यू नेवर नो, कि इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा भी बन सकते हैं। हेड टू हेड में शानदार रिकॉर्ड, 57 का एवरेज, लेकिन इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये एक चीज का ध्यान रखना है। बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, और अगर चेस करती है टीम इंडिया फिर तो बेस्ट चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन की। बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो भी अच्छी पिक है, रखना तो है ही इनको अपनी टीम में, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे रहने दे सकते हो, लेकिन चेजिंग के टाइम पे तो रोहित शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन होने ही चाहिए। शुभमान गिल रीसेंट फॉर्म अच्छी है जो है, और यहाँ पर जो है इस मैदान पे भी एक जो मैच खेला उसमें काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो इस मैच के लिए आपके लिए अच्छी डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं शुभमान गिल। मुझे लगता है कल के मैच में 50 प्लस का स्कोर आने वाला है शुभमान गिल के बल्ले से। बात कर लेते हैं यहाँ पर विराट कोहली की। विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए लेकिन उससे पहले अच्छी फॉर्म चल रही है। वेन्यू पे शानदार रिकॉर्ड, हेड टू हेड शानदार रिकॉर्ड, बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन की बहुत बढ़िया चॉइस है। चेजिंग में वाइस कैप्टन ट्राई आप कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर की रिसेंट फॉर्म अच्छी है, अच्छा कर रहे हैं और ये बैटिंग सरफेस है, यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको ट्राई अगर करना चाहते हो तो उस केस में तभी करना है अगर पहले इंडिया की बैटिंग आती है, चेजिंग के टाइम पे हो सकता है उतनी बैटिंग का मौका ना मिले। केएल राहुल रिसेंट फॉर्म अच्छी है, विकेट कीपिंग भी बढ़िया कर रहे हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि चेजिंग में मैं नहीं उम्मीद कर रहा कि इनकी कोई ज्यादा बैटिंग आएगी, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप इन्हें अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो। हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि शार्दुल ठाकुर अगर खेल रहे हैं तो उनसे ज्यादा ओवर नहीं कराए जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या का ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसके चलते विकेट्स मिल सकते हैं इनको, प्लस आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट है, हेड टू हेड में भी 12 मैच में 12 विकेट है, तो लगभग एक विकेट हर मैच में ले ही जाते हैं, और जड्डू बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों से कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो एक स्मॉल लीग के लिए एक अच्छी पिक बन जाते हैं। शार्दुल ठाकुर ओनली फॉर ग्रैंड लीग, इनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई जा रही है लेकिन विकेट्स निकाल सकते हैं अगर इन पे भरोसा दिखाया जाए और 8-10 ओवर इन्हें मिले तो ये विकेट 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, बट उसके चलते स्मॉल लीग में तो नहीं लिया जा सकता, बट ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट है, पिछले काफी मैच से लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाती है। यहाँ पर जो है सेम है बुमराह का, बुमराह लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, बुमराह को तो आप इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे ही रहेंगे स्मॉल लीग में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज डिफरेंशियल बन सकते हैं क्योंकि कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मोस्टली हर प्लेयर लेगा, लेकिन अगर आप सिराज को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं सिराज इस मैच में भी। टेस्ट बॉलिंग की बात करें बुमराह और सिराज है। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो टॉप थ्री काफी इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोहली, यहाँ पर फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप यादव और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, ये प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम की, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, रेगुलर वीडियो तो आपके लिए आ रही है, वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, मुझे भी आपका सपोर्ट जो है वो चाहिए, तो आप सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से, तंजीन हसन तलवार लटक रही है क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं है, प्लेयर में दम है लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, 3 मैच पहले 184 की पारी खेली थी, टफ होगा इंडिया के अगेंस्ट बट ग्रैंड लीग में खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो। लिटन दास इंडिया के अगेंस्ट ठीक ठाक खेल जाते हैं, हेड टू हेड में 10 मैच में 305 रन है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं। और वैसे जो इस मैच के विकेट कीपिंग ऑप्शन है केएल राहुल है, लिटन दास है, रहीम है, रिस्क लेना है तो लिटन दास को ट्राई किया जा सकता है। शंतो इस टीम का आप कह सकते हैं रिसेंट टाइम में बेस्ट बैटर है, लास्ट 2 मैच में फ्लॉप है लेकिन उससे पहले लगातार अच्छी फॉर्म चल रही थी, ठीक है, हेड टू हेड में जो है अच्छा कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हैं तो आप इंडिया के प्लेयर ज्यादा लिए, लेकिन अगर आप ऐसी ऐप पे खेल रहे हैं जहां पर 3 बैटर लेने हैं तो शांतो एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए, एक अच्छा पिक बनेंगे स्मॉल लीग में। बात करते हैं शाकिब अल हसन, खेलते हैं तो मस्ट है पिक है, नहीं खेलते हैं तो भाई ड्रॉप कर देंगे। फिर इनकी जगह आएंगे मेहंदी हसन, और मेहंदी हसन अगर खेलते हैं, 2 मेहंदी हसन है, मेहंदी हसन मिराज और मेहंदी हसन भी अगर खेल जाते हैं वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर है तो ट्राई कर लेंगे। हृदय प्लेयर अच्छा है, टीम भरोसा भी करती है, लेकिन इनसे पहले मैं जो है महमूदुल्ला को ज्यादा रेट करता हूँ, खेलते हैं खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। मुशफिकुर रहीम इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अगेंस्ट 24 मैच में 32 का औसत है, तो इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छी है प्लस विकेट कीपर अच्छे हैं, तो एक आपके लिए अच्छी स्मॉल लीग पिक बन जाते हैं बांग्लादेश की तरफ से। फिर यहां पर आएंगे महमूदुल्ला, कम बैक कर रहे हैं लेकिन काफी नीचे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो रिस्की ही रहेंगे। फिर आएंगे मेहंदी हसन मिराज को बैटिंग से प्रमोशन मिल सकता है, और अगर शाकिब नहीं खेलते हैं तो फिर बैटिंग और इवन इनके 10 ओवर पूरे आप मान के चलिए, उस केस में अगर आप बांग्लादेश की तरफ से ट्राई करना चाहते हैं ना तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनेंगे क्योंकि एक अच्छा ऑलराउंडर है। तस्कीन अहमद बॉलिंग अच्छी कर रहे थे लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही नजर लग गई है, पिछले 3 मैच में जो है ज्यादा कुछ खास नहीं किया है लेकिन हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, 7 में 14 विकेट हैं, तो ये अच्छा कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अगर रीसेंट टाइम में बॉलिंग देखें तो सबसे अच्छी बॉलिंग जो है वो शरीफुल इस्लाम कर रहे हैं, ये एक ऐसा खिलाड़ी है बांग्लादेश की पहले बॉलिंग आती है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, आप स्मॉल लीग में भी रख सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान एक आधा विकेट निकाल सकते हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो यहाँ पर शरीफुल इस्लाम पहली पिक रहेगी अगर लेना चाहते हैं, फिर तस्कीन अहमद, उसके बाद रहमान, तो ये जो है डेथ बॉलिंग की बात करें रहमान है और यहाँ पर इस्लाम है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें शांतो है, शाकिब खेलते हैं तो रहीम है, मेहंदी हसन मिराज, यहाँ तस्कीन अहमद और इस्लाम जो है इस टीम से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो इंडिया का टॉप 3 काफी इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा, गिल और यहाँ पर विराट कोहली, अगर शाकिब खेलते हैं उनको, अगर शाकिब नहीं खेलते तो मेहंदी हसन मिराज को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में हार्दिक पांड्या, मेहंदी हसन मिराज, यहाँ पर बुमराह और जसप्रीत, यहाँ पर रविंद्र जडेजा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, केएल राहुल है, रहीम है और यहाँ पर जो है लिटन दास है, मैंने यहाँ पर जो है रहीम को अपनी टीम में लिया है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए केएल राहुल को भी रख सकते हैं, लिटन दास अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, सो टॉप 3 इंडिया का रखेंगे, कोहली को रखा है, शुभमन गिल और यहाँ पर जो है रोहित शर्मा, तीनों को हमने अपनी टीम में रखा है। शांतो जो है एक अच्छी डिफरेंशियल पिक बन सकती है इस मैच की, उनको ट्राई कर सकते हो, श्रेयस अय्यर को बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हैं। और राउंडर सेक्शन में चलें तो यहाँ पर जो है हार्दिक पांड्या, मेहंदी हसन मिराज और रविंद्र जडेजा, अगर शाकिब खेलते हैं तो डेफिनेटली होंगे तो अभी के लिए रख लेते हैं, अगर ये नहीं खेलते तो शांतो को रख सकते हो या फिर अगर मेहंदी हसन खेलते हुए नजर आए तो उनको रख सकते हो। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर बुमराह को लिया है और यहाँ पर जो है कुलदीप यादव और सिराज को मैंने रखा है, यहाँ पर अगर पहले बॉलिंग आ जाती है यहाँ पर बांग्लादेश की तो इस्लाम को भी आप ट्राई कर सकते हैं, तस्कीन अहमद को, तो अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम बन जाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो शुभमन गिल को मैं इस मैच में कैप्टन कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन जो है मैंने रोहित शर्मा को किया है, विराट कोहली का भी एक ऑप्शन हो सकता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन का, बॉलिंग से आप चाहें तो बुमराह को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो 2 टीम्स क्रिएट करी है मैंने आपके लिए, टीम 1 की बात करें सो विराट कोहली कैप्टन और शुभमन गिल को हमने वाइस कैप्टन किया है, टीम 2 की बात करें
टीम टू में हमने मेहंदी हसन मिराज को कैप्टन किया और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन किया है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कल कौन सा प्लेयर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।